हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलम, ब्रिज नील फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। और बारिश का मौसम है, यानी कि सावन का महीना चल रहा है। और बारिश तो खैर सब जगह हो रही है, पर असम में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। तो ये देखिए, बारिश से बाद जो हमारे केवी क्वार्टर है उसके सामने थोड़ा सा बारिश हो गई थी। खैर ये वीडियो मेरा थोड़ा सा पहले का है, जब ज़्यादा बारिश हो रही थी। और उस समय भी मेरे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बारिश को इंजॉय किया, क्योंकि घर के बाहर थोड़ा सा पानी यहाँ भर गया था, तो उसे भी वो लोगों ने अपना प्लेग्राउंड बना लिया था, जिसमें बच्चे भी अपना बचपन के दिन जो हम लोगों के थे, आज मैंने वो अपने बच्चों को भी देखा, सामने अपना इस तरह से पानी भर गया था, तो वो भी इस बारिश को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और दोनों आपस में खेल रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत ही खेला उन लोगों ने, क्योंकि वैसे भी ये पानी में खेलना उतना सेफ नहीं होता है। फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, उनको मना करो तो कहाँ सुनते हैं। फिर भी बचपन के ही जो दिन होते हैं उन्हें ही वो इंजॉय करते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं साई में, मतलब कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि कोकराझार में ही है। और यहाँ पर इस वक्त डूरंड कप जो फुटबॉल मैच है वो यहाँ पे हो रहा है इस वक्त। और सकते हैं पूरी रोड पर यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं। वैसे तो मैंने मेन गेट से एंट्री मैं नहीं आपको दिखा पाई हूँ, ये तो केवल जो रास्ते का ही व्यू था वहाँ का ही है। अब देखिए हम लोग साई के पास आ ही गए हैं, मतलब साई का ये मेन गेट है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके ये मेन एंट्री गेट है। अब खैर यहाँ तो मैच नहीं हो रहा है, इसके अंदर नहीं जाना है हमें। इसके जस्ट पास में ही यहाँ पर एक स्टेडियम मतलब बनाया गया है जो साई का ही है, और इसके अंदर ही यहाँ पर फुटबॉल का जो डूरंड कप है वो होने वाला है। तो ये देखिए, ये पूरा बाहर से ही उसका व्यू है। अब ये मेन एंट्री गेट है यहाँ की, जो कि हम चलेंगे डूरंड कप के स्टेडियम में। चलिए आपको ऊपर से पूरा यहाँ का व्यू दिखाते हैं। वैसे जो ये डूरंड कप का मैच है, ये हम लोग मैच से पहले ही यहाँ पर आए थे, और इस समय यहाँ पे जो मैच होने वाला था उसकी पूरी यहाँ पे तैयारी ही चल रही थी, क्योंकि मैच अगले दिन ही होने वाला था, तो तैयारियाँ भी काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पर हो रहा था। और जो मैच यानी कि फुटबॉल जो मैच होने वाला था वो भी नेक्स्ट डे से ही होने वाला था, पर काफ़ी भीड़ होती इस मैच में और बच्चों के साथ आना पॉसिबल नहीं था, और टिकट भी मिलना इतना आसान नहीं था इस डूरंड कप में। तो हम लोगों ने इस मैच को तो नहीं देखा, वो बाकी इसी तरह से आके बच्चों को हम लोगों ने ये स्टेडियम का ही पूरा जो लुक है वो दिखा दिया था। साथ ही में यहाँ पे भी बच्चों ने अपना जो इंजॉय करना था वो भी अपना इंजॉय किया, दोरा पूरा इन्होंने देखा जो स्टेडियम में क्या क्या होता है, कहाँ पे किस तरह से तैयारियाँ हो रही थी, इन सबको भी उन लोगों ने देखा। और खैर फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए पूरा स्टेडियम का लुक काफ़ी अच्छा है, और बहुत ही अच्छे से पूरी मतलब तैयारियां भी यहाँ ज़ोर शोर से बिल्कुल चल रही थी। और ये वाला स्टेडियम का जो साई का स्टेडियम का के जस्ट बगल में ही है ये, और ये अभी जल्दी ही बना है। इससे पहले मतलब यहाँ पे ऐसे ही प्लेन ग्राउंड था, तो इस वजह से भी लोग इसे देखने और आ रहे थे, क्योंकि ये जल्दी ही अभी ही बना है ये स्टेडियम। सो अब स्टेडियम का तो सारा हम लोगों ने देख लिया है, तो अब चलिए वापस चलते हैं घर। और वापस लौटते वक्त ये रास्ते में जो सुपारी के पेड़ हैं काफ़ी सुंदर लग रहे थे, और मौसम तो बहुत ही मतलब लाजवाब है असम का। अब घर वापस आने के बाद मैंने बनाया ये आम का एक बहुत ही मतलब बच्चों की फेवरेट है ये डिश, तो जो मिनी केक्स होते हैं मैंगो के, वो मैंने बनाए हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है, और ये मैंगो बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। ये देखने में ऊपर से ग्रीन है, पर ये अंदर से बिल्कुल देखिए पका हुआ मैंगो है।
तो ये जो मैंगो है उसमें से मैंने जो ये पीसेस कटे हुए हैं इनके पीसेस मैंने निकाल लिए थे एक कटोरी, और जो बाकी का मैंगो है उसका मैंने मिक्सी में पल्प बना लिया था पीस के। अब यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। अब 2 कटोरी मैदा में यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही बेकिंग सोडा लेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से छान लेते हैं। अब इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स खैर आप अपनी चॉइस के अनुसार भी ले सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर 1 कटोरी पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, क्योंकि आम का भी जो अपना नेचुरल स्वीटनेस होती है वो भी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आम के पल्प को यूज़ किया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीनी डालने की मतलब ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने 1 छोटी कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है, यानी कि 3 से 4 छोटी चम्मच होंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे ये अभी तो इसमें मिक्स करने के लिए ये मैंगो के पल्प से ही मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसमें इसे अच्छा सा इसका एक घोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दूध का यूज़ किया है, तो इसे दूध से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर दूध का यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा ही हो जाएगा। अब साथ ही मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर नहीं मतलब येलो फूड कलर का यूज़ किया है। साथ ही मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी लेंगे, और ये जो मैंगो का पल्प निकाला था मैंने उसे भी अब इसमें जो छोटे छोटे पीसेस में हैं इन्हें भी इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद देखिए इसका एक इस तरह का घोल तैयार हो जाता है, जो कि ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट इसका ये घोल है। अब यहाँ पे अप्पे साँचे में मैंने ऑयल लगा लिया था। अब यहाँ पर 1-1 चम्मच ही इसमें अच्छे से पूरा इसे फिल कर देंगे। तो जब तक ये अप्पे साँचे भर रहे हैं, यानी कि मैं इसमें बैटर को पूरा भर रही हूँ, तब तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके लिए मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। तो इसी तरह से देखिए पूरे अप्पे साँचे में सारे घोल को मैंने भर लिया था, और ऊपर से इसमें टूटी फ्रूटी भी इसमें ऐड कर लेंगे, सब में लगा लेंगे, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे ऊपर से। तो यहाँ पे येलो कलर का ये हमारा मिनी केक है, और साथ में उसमें ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी भी मैंने लगा दी है, तो ये बिल्कुल मैंगो की तरह ही येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो अब इसे बेक करेंगे, इसे 20 मिनट तक के 180 डिग्री पर बेक करने के लिए रख देते हैं। अब बस 20 मिनट में ही मात्र ये केक बहुत ही जल्दी ही बन जाते हैं, और देखिए मात्र 20 मिनट में ही ये केक अच्छे से बिल्कुल पक गए हैं। तो चलिए अब इसे निकालते हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म से ये मिनी केक बने हैं। देखने में जितने ये सुंदर लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी हैं। आइए चेक करते हैं ये कि ये किस तरह से बने हैं। देखिए ये नीचे से भी बहुत अच्छे से पक गए हैं और बहुत ही गर्म है। सो फ्रेंड्स, आप इसे भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।